आपने टीवी पर एक एड देखा होगा, दाग अच्छे हैं। वैसे ही देश के लिहाज से कहूं तो कुछ दाग अच्छे होते हैं, क्योंकि वो मौका देते हैं देश को यह समझने का कि गंदगी फैला कौन रहा है, इसलिए वो दाग अच्छे। और विपक्ष नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर किस लेवल की पॉलिटिक्स करेगा और कितना नीचे तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं मिल रहा। मतलब आप नीचे खोदते चले जाइए, उतना विपक्ष नीचे चाहता चला जा रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को चांद के सबसे मुश्किल हिस्से पर पहुंचने का सपना देखने और उस सपने को पूरा करने की ताकत दे रहे हैं, और एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष हैं जो देश को पनौती जैसे अंधविश्वास में फंसे रहने का फॉर्मूला समझा रहे हैं कि कोई पनौती हो तो टीम मैच हार जाती। वाह भैया, 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी देश के सामर्थ्य की बात करते हैं कि बॉस हम कर सकते हैं, हमको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के दिखाना है, देश बनेगा। ये नरेंद्र मोदी हैं, सामर्थ्य की बात करते हैं, और राहुल गांधी चुनौती से लड़ने के बजाय पनौती जैसी दकियानूसी सोच के पीछे छुपने का रास्ता दिखाते हैं। वो हार गए, अरे कोई नहीं, किसी एक को ढूंढ लो, का तो यही पनौती था इसकी वजह से हम हार गए। बॉस, भारत इकलौता ऐसा देश होगा जहां क्रिकेट टीम की हार को भी पॉलिटिक्स का जरिया बना दिया गया। किसी देश में ऐसा नहीं होता होगा। टीम हार गई, बात खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाने की होनी चाहिए थी कि यार तुम लोग बड़ा अच्छा खेले, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए। लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम नरेंद्र मोदी को पनौती साबित करने पर फोकस कर रही। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश कैसे हार के बाद सदमे में। मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, उस दिन मैच देख रहा था, 125,000 लोग सदमे में थे बॉस। कोई रो रहा था, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था कि कुछ तो हो कि हम लोग जीत जाए, और उसके बाद हर कोई दुखी होकर निकला। कोई एक आदमी वहां कोई पनौती किसी को नहीं बता रहा था कि तुम्हारी वजह से हार गए, तुम्हारी वजह से हार गए। लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम नरेंद्र मोदी को पनौती बता रही। उन्हें नरेंद्र मोदी को कोसने गाली देने का बस मौका मिलना चाहिए। टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल क्या हारी, एक पूरा इकोसिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा। ट्रोल्स नरेंद्र मोदी को भारतीय क्रिकेट टीम की हार का जिम्मेदार बता रहे थे, तो वो भी एक मिनट के लिए समझा जा सकता है कि ट्रोल्स हैं तो इससे ज्यादा क्या कर लें। लेकिन राहुल गांधी कोई ट्रोल है क्या? देश की बड़ी पार्टी के युवराज ना है बॉस। लेकिन बातें जो कह रहे हैं उसकी भाषा ट्रोल्स की भाषा से कोई बहुत अलग नहीं है। वैसे ही मैच हो रही है जो राहुल गांधी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद सुनिए कि कैसे अब राहुल गांधी भी पीएम मोदी को सोशल मीडिया के ट्रोल्स की तरफ पनौती बता रहे हैं, फिर जरा मैं आगे की बात बता दूं। पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती? वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती? वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। टीवी वाले क्या नहीं कहेंगे, राहुल गांधी को यह भी पता है। अरे बॉस, टीवी वाले क्या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप छोड़िए ना, आप क्या कह रहे हैं पहले उसका तो इवैल्यूएशन कीजिए, किस लेवल की बातें कर रहे हैं। इनके पास हर चीज के लिए, हर आदमी के लिए ज्ञान है। प्रधानमंत्री को देश कैसे चलाना चाहिए यही सिखाएंगे, टीवी पर एंकर को कैसे बोलना चाहिए यही सिखाएंगे, खुद क्या करना चाहिए इनको कौन कब सिखाएगा यह समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यह भर दुनिया को सिखाएंगे कि क्या करना है। राहुल गांधी अपनी राजनीति का स्तर तो नरेंद्र मोदी की राजनीति तक आज तक नहीं ला पाए, लेकिन वैचारिक स्तर भी बहुत पीछे दिखने लगता है बार बार जब वो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप फाइनल देखने पहुंच गए तो इंडिया हार गई तो वो पनौती हो गए। बॉस, वर्ल्ड कप फाइनल को देखने में तो 125,000 लोग गए थे, तो वो 125,000 लोग पनौती थे, और जो लोग टीवी पर करोड़ों लोग देख रहे थे वो सब पनौती थे क्या? और अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां मैं मैच में था, मुझे पता है
कि नरेंद्र मोदी की एंट्री कब हुई, कैसे लोग उत्साहित थे नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। इंडिया की बैटिंग, इंडिया जब बैटिंग कर रही थी, बैटिंग के वक्त मोदी आई नहीं, मोदी थे नहीं स्टेडियम में, तब कैसे रन कम बनाई टीम इंडिया, कैसे कम बनाई। वो जो प्रियंका जी का एक बयान वायरल हो रहा है कि आज तो इंदिरा जी का जन्मदिन है, आज तो टीम इंडिया पक्का जीतेगी, तो कोई कहे कि इंदिरा जी का जन्मदिन था इसलिए टीम इंडिया नहीं खेल पाई, फिर कोई उधर पनौती का एंगल ढूंढना शुरू करे। और जब बॉलिंग की बात आई, टीम इंडिया बॉलिंग कर रही थी, 30 ओवर के लगभग बाद आए, उसी के आसपास आए होंगे, 30 ओवर के बाद पीएम वहां पर आए स्टेडियम के अंदर, तो 100 ओवर का मैच था, 50 उधर 30 इधर, 80 ओवर मैदान में थे ही नहीं नरेंद्र मोदी। और जब नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई, 160-170 तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया बना चुकी थी। ऐसे लोग जो राजनीति में हार के डर से कई बार चुनाव प्रचार नहीं करने जाते, वो लोग होते ना तो वहां स्टेडियम आते भी नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि वहां टीम का हौसला बढ़ाने गए थे, तो टीम हार रही हो जीत रही हो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो गए वहां। और या तो राहुल गांधी की क्रिकेट की समझ भी बाकी मामलों की तरह बहुत ठोस नहीं है तभी वो ऐसी बात कर रहे हैं, और नहीं तो फिर वो ये प्रयास कर रहे हैं कि लाख चाकर भी, क्योंकि वो खुद अपनी इमेज के डेंट को रिपेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो तो खुद कहते हैं कि उन्हें पता है लोग उन्हें पप्पू कहते हैं, बोले थे ना एक बार, कहे थे, खुद ही कहे थे कि मुझे पता है लोग मुझे क्या बुलाते हैं। तो बेसिकली वो अब नरेंद्र मोदी की इमेज को डेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा तो इमेज नहीं सुधरा, इनका ही खराब कर दो, इनकी पूरी टीम मिलकर अब यही कर रही। लेकिन ये करने के चक्कर में उन्होंने फिर ब्लंडर कर दिया, क्योंकि पब्लिक को पता है पनौती और ये ऐसे मामलों से कोई टीम का प्रदर्शन होता है, अगर जीत हार से कोई किसी के लिए पनौती या अशुभ हो जाता है, तो फिर कल को कोई ये भी कह सकता है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी से हारती रही है उससे कांग्रेस के लिए राहुल गांधी पनौती थे, फिर कहने को कह देंगे लोग, क्योंकि जो राहुल गांधी वर्ल्ड कप में हार के लिए दूसरों को पनौती कह रहे हैं उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और इनके लिए फिर लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ये भी इनको सोचना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष रहे, कब से कब तक अध्यक्ष रहे, 16 दिसंबर 2017 से 3 जुलाई 2019 तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हाँ रहे ना, 13 राज्य में चुनाव हुए, इस दौरान कांग्रेस पार्टी जीती, इन 13 में से 4 चुनाव जीती, 4 मात्र 4। तो राहुल का सक्सेस रेट कितना है, मात्र 30%। तो क्या कहा जाए, अब क्या सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लोग पनौती बोल के ट्रोल करना शुरू करें कि भाई आपके आने के बाद तो कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो गया, यह उचित होगा क्या, ऐसी बातों का इस्तेमाल होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए ना। एक लोकसभा चुनाव इनके अध्यक्ष रहते हुए लड़ा गया, वो भी हारे तो अब क्या, और वो भी कांग्रेस की सबसे बड़ी हार में से एक। राहुल गांधी कभी चुनाव के वक्त अपनी ही धुन में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हो जाते हैं, या फिर कब कहां होते हैं, कई बार इसको लेकर भी सवाल उठते हैं, लेकिन जिन्हें वो पनौती बता रहे हैं वो नरेंद्र मोदी कम से कम इतना तो जानते हैं कि जब किसी के घर में मातम जैसा माहौल हो तो करना क्या चाहिए, इतनी तो समझ नरेंद्र मोदी को है, ये तो दिख रहा है, और किसको नहीं है ये भी दिख रहा है। राहुल गांधी को कुछ नहीं तो कम से कम नरेंद्र मोदी से यही सीख लेना चाहिए कि किस वक्त कैसे माहौल में क्या करना चाहिए। आप देखिए कि मैच हारने के बाद जब टीम इंडिया सदमे में थी तो कैसे पीएम मोदी एक लीडर की तरह भारतीय टीम के खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और उनको हिम्मत दी। आज पहली बार उस दिन का वीडियो आया है बाहर, एक बार वो वीडियो देखिए कि नरेंद्र मोदी ने उस दिन ड्रेसिंग रूम में किससे क्या कहा था, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती बुलाकर कैसी बड़ी पॉलिटिकल गलती कर दी। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। कराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है, कहा राहुल कैसे हैं?
जी, आप लोग मेहनत बहुत की है लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो हमें बहुत अच्छा किया है जी बात तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ थोड़ तर तो घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है चलिए होता है होता रहता है ऐसा और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों का मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। एक नेता है नरेंद्र मोदी जो हार के बाद टीम को संभाल रहे हैं, एक नेता वो हैं जो हार के बाद चटकारे ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, किसी को पनौती कह रहे हैं तो कोई कह रहा है कि गुजरात में मैच ना होता तो जीत जाते। यानी नरेंद्र मोदी के चक्कर में गुजरात से भी दिक्कत हो गई लोगों। एक बार फिर से राहुल गांधी को सुनिए और अखिलेश यादव को भी सुनिए जो टीम इंडिया से संघर्ष की तारीफ करने के बजाय ये मजाक बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच नहीं होता तो जीत जाते। पहले नरेंद्र मोदी आते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, याद है आपको? याद है? हां, क्या पनौती वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे मगर जनता जानती है। मैं तो ये कहूंगा कि ये मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और ये आशीर्वाद बहुतों का मिलता, टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता क्योंकि इकाना नाम से है वो स्टेडियम, बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई, इसलिए कभी कभी समय बताता है कि अब समय उनका नहीं है, समय दूसरे लोगों का आने वाला है। आप इन लोगों की बातें सुनिए, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि गुजरात भी जैसे लगता है किसी दूसरे देश में, अपने ही देश का एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, एक है गुजरात। लखनऊ में हो जाता तो टीम जीत जाती, गुजरात में हुआ नरेंद्र मोदी का प्रदेश है तो वहां पर हार गई। अखिलेश यादव के लॉजिक से जाएं तो टीम इंडिया अगर लखनऊ में मैच खेलती तो जीत जाती क्योंकि वहां उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिलता। तो क्या अहमदाबाद में जो दर्शक थे लाख सवा लाख वो टीम इंडिया की हार की दुआ कर रहे थे क्या बॉस? इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने लीग मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह दोहराया था, तब वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के चक्कर में अखिलेश यादव ने टीम इंडिया की क्षमताओं पर भी सवाल उठा दिए और कहने लगे कि तैयारी आधी अधूरी रह गई। इतना ही नहीं, वो टीम इंडिया की हार में इंडी गठबंधन की जीत देखने लगे और ये कहने लगे कि वक्त बदल रहा है। लेकिन ये लोग ये सब देख सुन रहे हैं और उनके नेता क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये भी देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो वो नेता हैं जो बुरा समय हो या अच्छा समय हो सब में बराबरी से खड़े रहते हैं, ये हमने पिछले 9 साल में बतौर प्रधानमंत्री देखा है। लेकिन जो लोग आज नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड कप की हार के लिए कोस रहे हैं वो खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी से लोगों को जुड़ने का मौका दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे तो मोबाइल में बिजी थे बॉस, और यहां दूसरे को समझा रहे हैं कि ओ ये पनौती है, ये गए वहां हंस रहे थे, तो वहां जाके क्या रोने लगते? उनकी सोच और राजनीति का स्तर क्या है ऐसे नेता लोगों को खुद ही बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता इसमें सबसे आगे हैं क्योंकि उन्हें किसी ना किसी तरह से नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का बहाना चाहिए।
इसी में मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने का कॉम्पिटिशन चल रहा है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है वो भी एक बार सुन लीजिए। कल बगल में एक मैच हुआ था वर्ल्ड कप, उसके पहले 9 मैच हुए, 9 इंडिया जीत गई। अब वहां कौन पहुंच गया कि उसके पहुंचते ही हार गई। इसके पहले भी इसरो पहुंच गए थे तो लैंड जो हमारा चंद्रयान था वो गया, लेकिन जैसे उनको देखा लड़खड़ा गया, लैंड नहीं कर पाया, बाकी इसीलिए गए नहीं। तो मेरे भैया ये पांव जहां जहां पड़ते वहां सत्यानाशी होता है, तो एक काम करना, वीरों की धरती राजस्थान में साथी के पैर मत पड़ने देना, वरना सिलेंडर भी जाएगा, पेंशन भी जाएगी और 10,000 महिलाओं का भी जाएगा, 25,00,000 ग्रामीणों का जाएगा। जो लोग वर्ल्ड कप में मिली एक हार के लिए पीएम मोदी को भर भर के कोस रहे हैं, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मनमोहन राज में क्या हुआ था और मोदी राज में खेलों का स्तर कैसे बदला। अगर मैं आपको बताऊं, साल 2012 में अगर आप देखेंगे किस तरह से या उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, लगातार ओलंपिक में भी भारत का प्रदर्शन बेटर हुआ है, और 2020 में अगर आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक उसमें अगर आप देखेंगे कि किस तरह से भारत को 2000 टोक्यो ओलंपिक आते आते मेडल कितने मिले, 7 मिले, 7 मेडल, और भारत की रैंकिंग जो है वो हमेशा से सबसे बेहतर 48 पर रही, 48 पिछले 4 दशक की बेस्ट रैंकिंग थी। एशियन गेम्स अगर आप देखेंगे, एशियन गेम्स उसमें अगर आप देख लीजिए भारत का प्रदर्शन, साल 2010 में चीन में एशियन गेम्स हुआ था, 2010 में 65 मेडल आए थे और रैंकिंग जो है वो भारत की थी 6, रैंक 6 था, रैंक 6 2010 में। 2023 भारत को मेडल कितने आए, 107 मेडल, 107 मेडल, और रैंक था भारत का 4। ये इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को समर्थन देना शुरू किया, उनके ट्रेनिंग पर जो है वो खर्च करना, मदद करना शुरू किया, जो मैंने आपको एक बार विस्तार से बताया था। तो मेडल भी आए, रैंकिंग भी सुधरी। तो वो मेडल आते हैं तब नरेंद्र मोदी का ये लोग नाम नहीं लेते, मनमोहन सिंह के वक्त कम आ रहे थे तब, और इतने साल तक, पिछले कितने दशकों तक तो कांग्रेस की सरकार रही, तब तो चांद पे कुछ कोई पहुंचा भी नहीं था चंद्रयान, तब क्या बोलिएगा, तब कौन पनौती था। और इस बार जब चंद्रयान पहुंचा दक्षिण ध्रुव पर, तब भी नरेंद्र मोदी लाइव जुड़े हुए थे, तब राजनीति के चक्कर में भारत के अंदर पीएम मोदी को भला बुरा कहा जा रहा है। जबकि आप देखिए पाकिस्तान में लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हार के बावजूद खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, उनकी आलोचना नहीं कर रहा बल्कि उन्हें हिम्मत दे रहा है।